हेलो एवरीवन, वेलकम टू रारा। आज मैं कलबार ग्लिटर मी ऑल नेक्स्ट वर्ल्ड डिस्को पाउडर का रिव्यू कर रही हूँ। दिस इज़ द आउटर पैकेजिंग। इस वक्त मैंने अपने फेस पर फाउंडेशन बेस लगाया हुआ है और इस पाउडर को लगा करके मैं दिखाऊंगी। इसकी पैकिंग अंदर से इस तरीके की है एंड दिस इज़ द पाउडर। माइनस फैक्टर इज़ दिस कि इसके अंदर कोई पफ या कुछ ब्रश व्रश नहीं आया है, तो इसको आपको एक्स्ट्रा ब्रश या पफ कैरी करना पड़ेगा इसको अगर आप ले जा रहे हो। और ये एक लूज पाउडर है जो कि इसमें माइक्रो पार्टिकल्स हैं ग्लिटर के, जो कि बहुत ज़्यादा ग्लिटरी करेगा, फेस को इल्यूमिनेट करेगा, इन्हेंस करेगा लुक को आपके। लेकिन दिस इज़ मेड इन इटली फॉर्मूला। 8 ग्राम इसकी प्रोडक्ट क्वांटिटी है, 750 रुपये का है। मैंने इसे कलबार से परचेज़ किया था। मैं आपको सिंपली इसे लगा करके दिखा देती हूँ, और क्योंकि मैंने इसे 2-3 बार लगाया है तो मैं आपको चेतावनी दे दूँ ये कि आप इसको ज़्यादा ना लगाएं, आपका चेहरा बहुत ज़्यादा डिस्को हो जाएगा। और इसको जितनी कम मात्रा में और जितना ही सही तरीके से आप इस्तेमाल करेंगे उतना अच्छा लगेगा। और आप इसको ज़्यादा लगा लेते हो, जैसे कि मैंने फर्स्ट डे कर लिया था तो पूरा फेस मेरा डिस्को ही लग रहा था, इसलिए मैं आपको बोलूँगी। और इस तरीके से आप देख रहे हैं, मैं अभी आपको ओपन करके दिखाने वाली हूँ। दिस इज़ द प्रोडक्ट। यू कैन सी यहाँ पर बाहर आया हुआ है, थोड़ा सा क्या काफ़ी सारा निकल आया है एंड 750 का है। तो चलिए इसको मैं ये नायका के जो पाउडर ब्रश है इससे ले लेती हूँ और एक्सेस को मैं इसी पे डस्ट कर देती हूँ, यानी कि झाड़ देती हूँ। ओके या as you can see the disconess, it will illuminate your look but use less. थोड़ा सा लुक को थोड़ा सा वैसा कर देगा, मतलब स्किन आपकी कहीं ना कहीं ग्लो करने लगेगी। लेकिन मैं आपको यही बोलूँगी दोस्तों कि आप थोड़ा संभल कर लगाएं। मैं तो इसको जितना संभल के लगाऊं, मेरे से तो गड़बड़ हो ही जाती है हमेशा, थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है ये। आई थिंक सेटिंग के लिए इट्स ऑसम, बट बहुत ही कम मात्रा में इसका इस्तेमाल करें। और पूरा फेस जो है वो हाइलाइटर बन गया है इस वक्त मेरा, ठीक है ना। इसमें कोई मिरर भी नहीं आया है और इस बार की पैकिंग भी वैसी नहीं है, मैट है, तो इस पर कोई मिरर विरर का लुक नहीं है, तो आपको एक्स्ट्रा मिरर कैरी करना पड़ेगा। एंड दिस इज़ द लुक। यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा हो गया है, ओके। और बात करो पसीने में या फिर गर्मियों में आप इसको लगा करके बाहर निकल सकते हो या नहीं, डेफिनेटली बहुत ही कम लगाइएगा। अगर एज अ हाइलाइटर यूज़ करेंगे तो ठीक है, या पार्टी वार्टी के लिए अच्छा है, बट रोज़ के लिए, डे टाइम के लिए मैं नहीं सजेस्ट करूँगी आपको। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप अपनी मर्ज़ी से इसे ख़रीदें और आउटलेट से जाकर ख़रीदें, ऑनलाइन इसे ना ख़रीदें। ऑनलाइन में आपको समझ नहीं आया अगर प्रोडक्ट बाद में, तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। उसके लिए मैं आपको बोलूँगी कि आप अपने शहर में जा कर के किसी शॉप से, वहाँ से इसको परचेज़ करें। दोस्तों इसका लुक आप देख रहे हैं, ये सेट हो जाता है, उसके बाद इसका जो काम है वो चालू हो जाता है और ये स्किन को चमकाने लगता है। दिस इज़ माइक्रो ग्लिटर एक्चुअली। सो ओवरऑल वेडिंग के लिए, पार्टीज़ वगैरह के लिए अच्छा प्रोडक्ट है, बट डे टाइम के लिए एज सच मैं ना आपको रेकमेंड करूँगी ना मैं आपको मना करूँगी, क्योंकि ये लिमिटेड एडिशन है। अगर आपको शौक है तो आप बिल्कुल परचेज़ कीजिए, आउटलेट से परचेज़ कीजिए और आप इसको ट्राई ज़रूर करिएगा। और आप चाहें तो हाईलाइटर के तरीके से इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टे ये रहता है ऑल डे और थोड़ा सा हैवीनेस लगती है फेस पे मुझे, जैसे कि फाउंडेशन के बाद आप कोई भी कॉम्पैक्ट या लूज़ पाउडर से जब सेट करते हो तो लाइट वेट लगना चाहिए, बट नहीं, मुझे थोड़ा सा हैवी लग रहा है। आई डोंट नो मुझे ही क्यों लग रहा है, बट बहुत ज़्यादा नहीं चमक रहा है बट ठीक लग रहा है। जिन लोगों को स्ट्रोब क्रीम लगाना पसंद होता है उनको अच्छा लगेगा, उनको मैं सजेस्ट करूँगी, वो लोग ले सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। और शायद इसमें किसी प्रकार का कोई SPF नहीं है, ना ही लिखा हुआ है। तो 8 ग्राम प्रोडक्ट है, काफ़ी क्वांटिटी सही है इसकी। प्राइस वाइज तो आप चेक कर सकते हैं। बाय बाय।